आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एनी सिंह से। एनी सिंह एक ऐसा नाम है जो जल्द ही आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, एनी सिंह आपको एक अपकमिंग सीरियल बड़ा रिश्ता प्यार का में एज ए हीरोइन, एज ए मेन चेहरा आपको देखने को मिलेगा। तो आइए नज़र डालते हैं, आइए रूबरू होते हैं एनी सिंह से। एनी सिंह का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपका कहना चाहूँगी, और हमारे राजीव गोयल सर हैं, उन्होंने आज हमें बुलाया हमारी टीम के साथ। मेरे साथ में डायरेक्टर MR खान सर हैं, और आज मैं आपके सामने हूँ तो सबसे पहले मेरा जो पूरा क्रेडिट है वो डायरेक्टर MR खान सर को जाता है। अगर आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं अपने डायरेक्टर सर की बदौलत बैठी हूँ। एनी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका पारिवारिक जो मेरा कहने का मतलब है आपका बैकग्राउंड क्या है, आप जो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या आपके नीचे कहाँ से आपने पढ़ाई शुरू की, कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मुझे अभिनय की दुनिया में उतरना चाहिए? एक्चुअली इसका श्रेय मैं अपने पापा को दूंगी। मेरी जो परवरिश जो हुई है वो UP से है, अलीगढ़ से। मेरी पढ़ाई भी अलीगढ़ से हुई है, आगरा यूनिवर्सिटी। अभी मैं हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, तो मेरे पापा का सपना है, वो चाहते थे, तो आज मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। अच्छा, तो यानी आपने अपनी शिक्षा कहाँ से ली और आपने शिक्षा में क्या क्या आपने सोचा था कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है? तो ये मेरा मतलब ये है कि अभिनय की दुनिया में आप कैसे आए? फर्स्टली क्या है ना, बचपन में एक तो पापा का था, पापा बोलते थे कि मेरे को अपने बेटा को सबसे अलग बनाना। उसके बाद मेरी पढ़ाई में, आज आपको अपना सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं थी मैं बिल्कुल। वो घर वालों की थोड़ी सी वो होती ना फॉर्मेलिटी जिसे पूरा करना बोलते हैं, वो किया आगरा यूनिवर्सिटी से UP बोर्ड, मेरी BCOM कंप्लीट है। अच्छा, तो हम ज़्यादा आपका वक्त ना लेते, हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। आप एक सीरियल करने वाली हैं बड़ा रिश्ता भी आएगा, इस पर थोड़ी सी मुझे बताइए। ये एक ऐसा सीरियल है जिसमें खास तौर पे आज के टाइम में लड़कियां बहुत आगे हैं, लेकिन कई कई गांव हैं या कोई शहर है जिसमें लड़कियों को बिल्कुल मान्यता नहीं दी जाती है। और अपना जो सीरियल है वो लड़कियों को लेकर के है, जो आज एक लड़की विकलांग है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों को लेके, उन्हें लेकिन नज़रअंदाज किया जाता है। और इस सीरियल का श्रेय जो है वो डायरेक्टर MR खान सर को जाता है, और ये सीरियल MR खान फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बन रहा है, और इसके डायरेक्टर भी MR खान सर। आपका लक्ष्य कहाँ तक है? आप बॉलीवुड आपका लक्ष्य है, या आप सीरियल की दुनिया तक रहेंगी, या कोई लक्ष्य होता है कि हाँ मुझे वहाँ तक जाना है? आपका लक्ष्य क्या है? क्या हम कह सकते हैं आप भी बॉलीवुड में जा रहे हो? आप बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक आज के टाइम में लोग कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली बिल्कुल नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, बोलते हैं जैसा बाप है, जो बाप ने किया है वही उसके बच्चे करेंगे, बिल्कुल ये मैं मेंटेलिटी बिल्कुल डिफरेंट सबकी चॉइस बदलना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ इतना है कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा एक टारगेट है जो मेरा खुद का सपना है, मैं उस बुलंदी पर जाना चाहती हूँ जिस कोई सोच भी नहीं सकता। इससे अलग कोई प्रोजेक्ट जो आप जल्द ही करने वाली हैं? हाँ, इसके साथ साथ अपना जो सीरियल है बड़ा रिश्ता प्यार का, उसके साथ साथ एक अपना रियलिटी शो भी है TV दैनिक। क्या कहना चाहेंगे हमारी आज की जनरेशन से? वैसे तो आप भी आज की ही जनरेशन हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चों को एक स्टेज नहीं मिल पाता, वो गलत दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं, और गलत फायदा उठाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। बिल्कुल, खासकर उन लोगों की जिनको आर्थिक तरीके से तंगी है। तो क्या कहना चाहती है, किस तरीके से उन्हें अपने इस फील्ड में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए, कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए? हमारा जो फसली में अपने एक सीरियल से लेके चलते हैं, फसली एक चीज़ में भूल गई, जैसे सॉरी, अपने सीरियल में हैं डायरेक्टर MR खान सर हैं, प्रोड्यूसर MK राजपूत और डायरेक्टर MR खान सर दोनों मिलके बना रहे हैं। और हमारे MK राजपूत जी हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, सपोर्ट करते हैं सबको, और अपने सीरियल को लेके, अपने सीरियल में एक मिडिल क्लास और एक छोटी सी फैमिली दिखाई है। इस सीरियल में बच्चे को वो हर चीज़, आज के टाइम में ना मूवी भी बहुत हैं और सीरियल भी बहुत हैं, लेकिन कहीं कहीं बच्चा जो होता है ना वो गलत डायरेक्शन ले लेता है। वही मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप क्या कहना चाहती हैं बच्चों को, किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए, किस में नहीं? मेरा कहने का मेरा टारगेट आपकी उम्र पर बिल्कुल भी नहीं है, आप भी अभी अभी चल ही रहे हो, लेकिन होता है ना कि
आप एक सीरियल करने वाले हैं तो एक मैसेज बनता है। मैं आज के टाइम के मैं अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं सबके लिए दिल से सॉरी बोलती हूँ। आज के टाइम में जो लड़के हों या लड़कियाँ हों, फर्स्टली अपना एक गोल बनाएं, उन्हें करना क्या है, उन्हें जो करना है वो अपने माँ बाप से शेयर करें, या तो माँ बाप की सुने या फिर अपनी उन्हें सुनाएं। अगर माँ बाप को गलत लगेगा तो वो आपको रोकेंगे। अगर अपने आप को प्रूफ करना है तो गलत रास्ता ना अपना के सही रास्ता अपना अपनाएं और अपनी मंजिल तक पहुँचें। और सबसे पहले ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है तो एक गोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी गोल है, तो ज़िंदगी को गोल नहीं, ज़िंदगी को गोल बना के चलें। हाउस ब्यूटीफुल एंड बहुत अच्छा लगा यानी आपसे बात करके, और धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का, MR खान साहब का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आपका यहाँ ना हम आपका थैंक्स करते हैं। मैं भी आपसे बहुत जल्द अभी मिलेंगे, अभी हम आपसे मिल रहे हैं, बहुत जल्द हम आपको अपने सेट पर बुलाएंगे TV देनी में। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। तो ये थी एनी सिंह, और बहुत जल्द हम एनी सिंह की तरह और भी हस्तियों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।